नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया नाउ। आज की रिपोर्ट आपको संभल से बता दें, विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम के द्वारा आकाश विद्युत चेकिंग को समानुसार करने के संबंध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम संभल को सौंपा। विदित हो कि बिजली विभाग के विजिलेंस ने एक वृद्ध के घर में की छापेमारी की थी। इस दौरान बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई। विजिलेंस टीम और बुजुर्ग में धक्का मुक्की, परिजनों का विद्युत विभाग की विजिलेंस के धक्का मुक्की के दौरान जमीन पर गिरे बुजुर्ग की हुई मौके पर मौत हो गई थी। परिजनों ने धक्का मारने का आरोप लगाया था। बुजुर्ग की मौत के बाद मौके से भागे अधिकारियों के मौके से भागते हुए नजर आए स्थानीय लोगों ने बनाई वीडियो। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष काशिफ खान के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कोट गर्वी में चेकिंग के दौरान हुई मौत की जांच कर कार्यवाही और मृतक के परिजनों को मुआवजा की मांग की। साथ ही विजिलेंस टीम का चेकिंग का समय निर्धारित किए जाने की मांग की है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता मुबारक अली के साथ। सर, आज एजेंट साहब को ज्ञापन देना है, किस लिए देना है? एसडीएम साहब को ज्ञापन, हम हमारे मोहल्ला कोट गर्वी में कल विजिलेंस टीम बिजली विभाग ने सुबह 5 बजे करीब उनके घर पर जाकर, फिदा हुसैन उस कल्लू के घर पर जाकर छापा मारा बिजली चेकिंग के लिए। अचानक उनके घर पर छापा मारने की वजह से उनको थोड़ी दहशत हुई, दहशत की वजह से उनका हार्ट अटैक हो गया और डेथ हो गई। उसी के खिलाफ हम यहाँ एसडीएम संभल को ज्ञापन देने के लिए सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं।